जीतने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर तो मंजिल मिल ही जाएगी अगर थकना ना हो मंजूर। तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार से धमाके होते रहते हैं। क्योंकि राजस्थान में 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय हैं, समय समय पर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी आती रहती है और लगातार अपडेट भी मिलती रहती है। जो लोग शुरू से जुड़े उनको पता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सिलेबस की पीडीएफ वहाँ पर मौजूद है, साइट पर भी अवेलेबल है, ये जोधपुर की पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपकी MPUT में ये वैकेंसी आ चुकी है, इसका एग्जाम भी हो चुका है कृषि पर्यवेक्षक का और पॉलिटी असिस्टेंट का। कृषि पर्यवेक्षक का 12 मई 2023 को उसका पेपर सोल्यूशन देखना, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, ठीक है। उसकी कट ऑफ भी जो है डिस्कशन मौजूद है, प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, ठीक है। और EU कोटा में भी निकली हुई है, SKNU में भी ये निकली हुई है और SKRU में पिछली बार निकली थी, उसको निरस्तीकरण कर दिया 2018 वाली को और 22 वाले को, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से लेकरते रहते हैं, कुछ धमाके होते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा ना सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो इसी प्रकार से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। तो जो ये है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर नॉन टीचिंग वैकेंसी 2023 कृषि पर्यवेक्षक की, जो आपकी वो है क्या, ये एक तरीके से सिलेबस है, इसकी योजना क्या है, ठीक है। नहीं तो इसमें आपके पता ही है कि आपके 3 भाग आने वाले हैं, सामान्य हिंदी, GK और आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन, GK के 25 और एग्रीकल्चर के 60, ठीक है। नहीं टोटल 100 कुल अंक जो है आपके यहाँ पर 100 ये, ठीक है, बता रखा, ठीक है। कुल पूर्णांक आपका 300 का है, ठीक है। और यहाँ इसको पढ़ सकते हो, परीक्षा की योजना क्या है, कृषि पर भर्ती है तो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, बहुवैकल्पिक प्रकार का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा और 3 भागों में प्रश्न होंगे और उसमें सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th का लेवल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, मतलब पेपर का जो लेवल रहेगा ना वो सीनियर सेकेंडरी रहेगा, यानी कि ये कृषि पर्यवेक्षक जो है आपकी 12वीं पास पैकेज उसके 12वीं कृषि विज्ञान, ठीक है, 100 होगी और अधिकतम 300 अंक का होगा। सभी प्रश्नों के समान अंक, 2 घंटे का समय मिलेगा, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, गलत के लिए 1 उत्तर, गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है आपकी अंतिम मेरिट भर्ती सूची बनाई जाएगी। पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार होगी किंतु क्रम में होना, ये आप ठीक पढ़ सकते हो उसको। तो ये आपका सिलेबस है हिंदी का, ठीक है, इसको देख सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपको ये आपका GK का सिलेबस है, ठीक है, और ये जो है आपकी चीज़, ठीक है, ये एग्रीकल्चर का, ठीक है, ये आपका हॉर्टिकल्चर, ये एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये आपका कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है, EU जोधपुर नॉन टीचिंग वैकेंसी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें। MPUT में ये एग्ज़ाम हो चुकी है, उसमें भी नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई थी, तो 12 मई 2023 को इसकी एग्ज़ाम हो चुकी है। पेपर सॉल्यूशन देखना है, उसकी कट ऑफ देखनी है, उसके उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको नियुक्ति वगैरह दे दी गई है, ठीक है नी, उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, ठीक है नी। उसकी कट ऑफ भी देख लो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, MPUT के नाम से प्लेलिस्ट है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, ठीक है, और पेपर सोल्यूशन का भी मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। इसी प्रकार से देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार से जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते, कर लीजिए यार। तो इसी प्रकार से जो है हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।